के ई लॉटरी के कार्यक्रम को और माई जीडीए ऐप का शुभारंभ भी आज यहां पर हुआ है। मैं इस अवसर पर अभी जिन लाभार्थियों को अपने ई ऑप्शन के माध्यम से उनके फ्लैट या भूखंड प्राप्त हुए हैं या जिनको इसके बाद मिलने वाला है, क्योंकि नाम 6 का ही बोला गया है लेकिन मिलेगा कई लोगों को, जिसमें 560 ईडब्ल्यूएस के फ्लैट मिलेंगे, 440 एलआईजी के फ्लैट मिलेंगे, 420 मिनी एलआईजी फ्लैट, 560 एमआईजी फ्लैट, 116 एलआईजी भूखंड, 89 एमआईजी भूखंड और 106 एचआईजी भूखंड। ये सभी इस न्यू जो टाउनशिप बन रही है कोराबार के पास, इतने लाभार्थी इससे लाभान्वित होंगे। आज कुछ लोगों को कि लॉटरी निकली है, उसमें से 6 को हमने यहाँ पे भी उनके प्रमाण पत्र दिए हैं, उनको भी और जिनको इसके बाद मिलना है उन सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ और गोरखपुर विकास प्राधिकरण को विकास की इन सभी योजनाओं के लिए धन्यवाद देते हुए पूरा महानगर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के विकास की परियोजनाओं का लाभ लेगा, इसके लिए हृदय से गोरखपुर वासियों को मैं बधाई भी देता हूँ। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं आज का समय अर्थव्यवस्था का समय है, आर्थिक युग का समय है। देश हो या प्रदेश, समृद्ध विरासत के साथ साथ अगर वह आर्थिक रूप से भी समृद्ध है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय में भी उतनी ही वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है तो स्वाभाविक रूप से उसकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति भी उतनी ही व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध होगी और खुशहाली का मानक भी वहां पर उसी रूप में उनको मिलता हुआ दिखाई देगा। ईज ऑफ लिविंग के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यद्यपि प्राचीन काल में इसके सबसे बेहतरीन माध्यम हमारे गांव थे, जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी, लेकिन समय के अनुरूप गांवों का स्वरूप बदलता गया। प्राचीन गांव स्वावलंबी हुआ करते थे, आत्मनिर्भर हुआ करते थे, सरकारों पर उनकी निर्भरता ना के बराबर हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति जिस प्रकार की सुविधाएं चाहता है, अच्छी कनेक्टिविटी हो, स्कूल की व्यवस्था हो, अच्छी स्कूल की व्यवस्था हो, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो, मार्केट हो, रोजगार की सुविधा और संभावना भी तेजी से बढ़ सके, नए अवसरों को तलाश सके, कनेक्टिविटी बेहतर हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन सुविधा का वे लोग लाभ ले सकें और भी बहुत कुछ सुविधाएं व्यक्ति शहरी जीवन में ही ये सब संभव हो पाता है। और उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम इतनी नहीं हो पाती कि वे लोग महंगे फ्लैट खरीद सकें। वे स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति रवि किशन तो है नहीं, भाई रवि किशन ने मैंने सुना कि कोई महंगा फ्लैट खरीदा है या कोई प्लॉट खरीदा वहां मकान बनाया। हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता और अनावश्यक रूप से महत्वाकांक्षा पालनी भी नहीं चाहिए। अपनी सामर्थ्य और शक्ति से व्यक्ति जितना अर्जित कर सकता है उसमें संतुष्टि भी होनी चाहिए, लेकिन अपनी इस पूरी सामर्थ्य का उपयोग करते हुए मेहनत का
परिश्रम की पराकाष्ठा पर पहुंचने की भी आदत हमें डालनी चाहिए। और मुझे लगता है यही सुखी जीवन का सबसे मूल मंत्र है। अपनी आवश्यकता के अनुरूप हर व्यक्ति को सिर ढकने के लिए छत चाहिए। पहले व्यक्ति प्लॉट लेता था, प्लॉट लेकर के वहां मकान बना लेता था। सड़कें नहीं हो पाती थी, व्यक्ति मान लेता था कि चलिए धीरे धीरे करके हो जाएगा। लेकिन आज सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त व्यवस्था के लिए विकास प्राधिकरण भी, आवास विकास परिषद भी, और सरकार के द्वारा अप्रूव्ड जो कॉलोनीज हैं, अगर वह उसमें हम मकान खरीदते हैं, प्लॉट हो फ्लैट हो, तो वहां पर हमें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वहां पे मकान अच्छे मिलेंगे, पार्क की सुविधा मिलेगी, स्ट्रीट लाइट मिलेगी, स्वच्छता की नियमित व्यवस्था होगी, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति भी होगी, वहां पर कनेक्टिविटी भी होगी, यानी हर प्रकार की सुविधाएं, स्कूल भी होगा वहां पर, स्वास्थ्य का केंद्र भी होगा वहां पर, हर प्रकार की सुविधाएं आसानी से हो सकती हैं। और इन सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त व्यवस्था जब भी हमें खरीदनी हो, लेकिन वह हम लोग सोच समझ करके ही खरीदें, और वह सरकार के द्वारा अप्रूव्ड योजना से ही खरीदा जाना चाहिए, जिससे इसका लाभ हमें प्राप्त हो सके। और इस दृष्टि से गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने न्यू खोराबार टाउनशिप की इस स्कीम को गोरखपुर वासियों को और गोरखपुर में रहने वाले उन सभी परिवारों के लिए उपलब्ध करवाने का कार्य किया है, जिसका आज हम यहाँ पे शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस अवसर पर न्यू खोराबार टाउनशिप में जो लोग फ्लैट या भूखंड प्राप्त करेंगे, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर 55 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। 55 लाख, आप अनुमान करिए, ये 55 लाख परिवार वह थे जिनके पास अपना सिर ढकने के लिए आवास नहीं था। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में और जो बचे हुए थे उनको मुख्यमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने इस सुविधा का लाभ दिया। आज उन लोगों के पास अपना एक आवास है। यानी ये 55 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने या उनकी स्कीम के कारण आज वे लखपति हो गए हैं। आज कम से कम उनके पास एक आवास तो है। इस आवास की कीमत अगर मार्केट दाम में हम देखेंगे तो 10 लाख से कम नहीं है, लेकिन वह आवास उसे फ्री में उपलब्ध हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे आवास की स्कीम ऐसी चली है जिसमें गरीबों के लिए शासन ने छूट दी है, उसका भी लाभ बहुत बड़े पैमाने पर प्रदेश भर में उपलब्ध कराया गया है। और हम लोगों ने इस बारे में गोरखपुर विकास प्राधिकरण और प्रदेश भर के विकास प्राधिकरणों से बार बार कहा है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जैसे व्यवसाय के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, उसमें सरकार रिलैक्सेशन देती है, सरकार रिफॉर्म करती है, सरकार नए नए तरीके अपना करके व्यवसायियों के सुविधा के लिए अनेक प्रकार के सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करती है, रिफॉर्म करती है, उसके लिए कानून बनाती है, संशोधन करती है। ऐसे ही आम नागरिक के लिए भी उसके लिए ईज ऑफ लिविंग यानी उसको रहने की सुविधा, उसका जीवन यापन सरल हो सके, सहज हो सके, आसान हो सके, इसके लिए भी हम सभी प्राधिकरणों से, सभी नगर निकायों से, सभी ग्राम पंचायतों से सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए उतनी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य करें। आज उसी का परिणाम है, आपने देखा होगा कि जो काम आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था वह कार्य आज सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बन गए। अकेले उत्तर प्रदेश में 3.25 लाख गरीबों के शौचालय बने हैं। इन गरीबों के पास अपना शौचालय नहीं था। 55 लाख गरीबों के पास अपने आवास
अकेले उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से बिजली जहां नहीं पहुंचती थी वहां बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, पेंशन की सुविधा निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को राशन कार्ड की सुविधा, 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत के कार्ड की सुविधा, ये ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए वे कदम हैं जो प्रत्येक नागरिक के जीवन को आसान बना सके और वह व्यक्ति खुशी के साथ अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने की सुविधा पाने का अधिकारी है या उसको प्राप्त हो सके। और उसी क्रम में आज यह गोरखपुर की इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज यहां पर जिन परियोजनाओं को हमने लोकार्पण किया है उनमें पत्रकारपुरम में पत्रकारपुरम विस्तार आवासीय योजना का है, रामगढ़ ताल परियोजना में सर्किट हाउस के समक्ष फाउंटेन और हर्बल पार्क का कार्य है, हर्बल पार्क में 1500 से अधिक औषधीय पौधे लगाए गए हैं, पैरलेगंज से बुद्ध विहार द्वार तक अर्नामेंटल लाइट्स का है, रामगढ़ ताल के किनारे रेलिंग लगाने का कार्य है, बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 25 केवीए का सोलर लाइट प्लांट लगाने का कार्यक्रम है और साथ साथ शिलान्यास की जो योजनाएं हैं जिनमें 22 परिस्थितीय विद्यालयों के कायाकल्प का कार्य है, 63 नगरीय परिस्थितीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास लगाने के लिए, सामुदायिक भवन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, पुलिस लाइन में परेड ग्राउंड में शेड लगाने का कार्य, प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में 9 स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का कार्य, ये सभी यहां पर उपलब्ध करवाने के कार्य आज शिलान्यास और लोकार्पण के माध्यम से भी किए गए हैं। आज रामगढ़ ताल आपका देखो कितना अच्छा ताल बन चुका है, पूरा देश जो भी गोरखपुर आता है वह गोरखनाथ मंदिर भी जाता है तो रामगढ़ ताल की तरफ आना भूलता नहीं है। और शाम के समय अगर कोई आ गया तो फिर रवि किशन की तरह फिर जाने का नाम भी नहीं लेगा। देखो अब उन्होंने पहले वे फिल्म की शूटिंग के लिए आए, आज जनता जनार्दन की फिल्म की शूटिंग के साथ साथ जनता जनार्दन की सेवा यहां पर कर रहे हैं एक सांसद के रूप में और आपके लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में। ये होती है, आपका शहर जब अच्छा लगेगा तो हर व्यक्ति आएगा और फिर वहां रहकर के अपनी एक नई सोच देगा। वे एक कलाकार हैं तो कला की एक नई सोच, नौजवानों को कलाकार बनाने के लिए कला के बारे में कला के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने की एक नई प्रेरणा और उनके साथ देश और दुनिया का कलाकार यहां आता है देखने के लिए कि गोरखपुर में अच्छा इतनी बड़ी नहीं तो गोरखपुर में आज से 10 साल पहले 20 साल पहले तो गोरखपुर का नाम लेकर के लोग डरते थे, लोग आते नहीं थे, लोगों को यह भय रहता था पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन आज तो गोरखपुर में फिल्मों की शूटिंग हो रही है, गोरखपुर में एम्स भी है, गोरखपुर में फिर से फर्टिलाइजर कारखाना चालू हो गया है, पिपराइच में चीनी मिल फिर से चालू हो गई है, जू भी यहाँ बन गया है, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है, गोरखपुर की सड़कें अब तो जाम की समस्या से काफ़ी हद तक समाधान मिल चुका है, इतनी चौड़ी सड़कें कोई सोचता था गोरखपुर में इतनी चौड़ी सड़कें होंगे और गोरखपुर की सड़कों पर जब लाइट जलती है स्ट्रीट लाइट जलती है शाम के समय तो देश और दुनिया लोग भूल करके वापस गोरखपुर आना चाहते हैं कि चलिए अब अपने शहर में ही जा करके आनंद लेंगे कि शहरी जीवन कैसे होना चाहिए। भाइयों बहनों इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, एक सामूहिक प्रयास, लेकिन साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों का पालन भी। अगर शहर हमारा है तो उसको स्वच्छ बनाए रखना, सुंदर बनाए रखना, उसका संरक्षण करना, ये सब भी अगर हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए दिखाई देंगे तो शासन की सुविधा का लाभ एक लंबे समय तक हम सबको प्राप्त होगा। और आज गोरखपुर की इन विकास परियोजनाओं का लाभ इसी रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। कुछ दिनों के बाद अभी वाटर स्पोर्ट्स का यहाँ पे भवन बना है, गोरखपुर रामगढ़ ताल में
क्रूस उतरेंगे और क्रूस के बाद लोगों को शादी ब्याह के साथ साथ कोई भी मांगलिक कार्यक्रम या कोई से परिवार के साथ घूमना है, कोई बाहर से कोई मित्र आया है उसके साथ घूमने निकलना है, तो रामगढ़ ताल डेढ़ घंटा दो घंटा का समय निकाल करके घूम करके व्यक्ति देखेगा तो कितना जो कुछ जो आपको अब तक मुंबई और चेन्नई में देखने को मिलता था वह गोरखपुर रामगढ़ ताल उस प्रकार की सुविधा आपको गोरखपुर में उपलब्ध करवाने का कार्य करेगा। इसके लिए प्रयास होने चाहिए, लगातार प्रयास होते हैं तब परिणाम आते हैं, और उस प्रयास के लिए जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनके सकारात्मक सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। आप सब इसका लाभ लेंगे इसके लिए मैं बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो विकास की योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश के लिए, गोरखपुर के लिए और हर एक जनपद के लिए दे रही है, इसका लाभ पूरे प्रदेशवासी उसी श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ प्राप्त करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से 175 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए गोरखपुर वासियों को बधाई देता हूं। खोराबार न्यू टाउनशिप के लिए जिन लाभार्थियों को आज फ्लैट या भूखंड के प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहे हैं उनको बधाई देता हूं। जो लोग बच जाएंगे वे आश्वस्त रहें, हमने 6000 करोड़ रुपए यहाँ के लिए अलग से स्वीकृत किए हैं कि नया जमीन लीजिए। गोरखपुर में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहना चाहिए, चाहे वह कोई गरीब हो, चाहे वह पत्रकार हो, चाहे वह अधिवक्ता हो, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह चिकित्सक हो, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह कलाकार हो, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो, हर एक के लिए आवास की बेहतरीन सुविधा प्राप्त होगी और इसके लिए सरकार पूरा सहयोग करेगी। आप सबको भी इस अवसर पर एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सभी के सपनों को पूर्ण करने के लिए सदैव कृत संकल्पित रहने के लिए माननीय